गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 4th अप्रैल, सो वेलकम टू डे 4 एंड टुडे इज मंडे, द वीक हैज स्टार्टेड और उसके साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ विथ वार्म वाटर। और जो मेरा आज का खाने का स्केड्यूल है मैं आप सभी को बता दूँ, तो ब्रेकफास्ट इज गोना बी हमस एंड रोटी, लंच विल बी सॉटे वेजिटेबल्स, सो देयर विल बी जो जो घर पे वेजिटेबल्स होंगे मैं उसे ऐड करके उसमें पनीर ऐड करूँगी विच इज़ गोइंग टू बी मेड इन जीरो ऑयल। और शाम को इफ आई हैव टी आई माइट, अदरवाइज आई माइट हैव इट राइट नाउ इन द मॉर्निंग। और डिनर विल बी सूप, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कीप लाइट। और उसी के साथ साथ आई एम गोइंग टू इनकल्केट वर्कआउट एंड मेडिटेशन आज के रूटीन में ऑल्सो विच इज़ गोइंग टू बी एवरी डे। सो अभी तक 3 दिन तक रहा है, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट इट्स गोइंग टू स्टे लाइक दैट एवरी डे। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पर गाइस। दिस इज हमस और इसके साथ है आधी रोटी और आधा चीला। चीला में है बेसन, बाजरी का आटा और नॉर्मल आटा। हैविंग आधा कुल्लड ऑफ चाय, ये गुड़ वाली है, इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है। सो और ये हम ऑफिस में थोड़ा सा चिल कर रहे हैं साथ में और अब मैं पीने वाली हूँ चाय। एक छोटा कप ऑफ चाय, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हेलो, तो मैं थी अभी ऑफिस में और बहुत ही एक प्यारे आर्टिस्ट जिसका नाम है राहुल, उनसे मिली। अग्नि पुला करके उनका एक ब्रांड है, सो बस वहीं पे थी। और अभी एक्चुअली बज रहे 4:30 एंड आई एम वेरी हंग्री, मैंने लंच नहीं किया है। ऐसे मैंने नहीं करना चाहिए, एक्चुअली मैंने टाइम पे खाना चाहिए, बट नेवर माइंड, मैं घर पे जाकर ये भी खाने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ आई एम नाउ हेडिंग बैक होम एंड देन आई विल कुक माय मील एंड देन आई विल ईट। सो आई विल सी यू गाइस एट होम, बाय। हेलो, और मैं पहुंच गई हूँ घर फाइनली। अभी बज रहे हैं 5:15 और मैंने ब्रेकफास्ट जो खाया था, आधा चीला आधा आधी रोटी एंड वन बोल ऑफ हमस। तो उसके बाद मैंने चाय पी थी, एक कप चाय, एक ग्लास चाय। और अभी मैं अपना लंच प्रिपेयर करने वाली हूँ। आई नो बहुत लेट हुआ है बट आई वॉन्टेड टू बी डिसिप्लिन और मुझे बाहर नहीं खाना खाना था, इसलिए अब मैं घर पे बनाने वाली हूँ। तो आई विल शो यू क्विकली कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ। तो घर पे सिर्फ कॉलीफ्लावर, बीट रूट, पोटेटो एंड पनीर, तो यही 4 चीज़ें हैं। तो इट्स ओके बट आई थिंक मैं इन 4 चीज़ों के अराउंड आई विल मेक माई लंच। और साथ में है आमरस, आई एम गोना हैव दैट एंड चलो देखते हैं कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो ये है ऑलरेडी बॉइल्ड बीट रूट, कॉलीफ्लावर और एक पोटेटो और यहाँ पर है पनीर। तो अभी प्रेपरेशन कर रही हूँ और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं एग्जैक्टली कैसे बना रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है, मैंने इसमें ऐड किए हैं कॉलीफ्लावर, बीटरूट, पोटेटो और 80 ग्राम्स पनीर। और उसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा टमेटो केचप, थोड़ी सी सेजवान चटनी, अदरक और गार्लिक की पेस्ट और उसी के साथ थोड़ा नमक। इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है और अभी मैं इसी को बस कुकर में चढ़ाने वाली हूँ 2 या 3 सीटी लगाकर। तो फाइनली लंच इज रेडी एंड ये थोड़ा सा बर्न हो गया बिकॉज मैंने गैस बाय मिस्टेक फुल पे रख दिया था और मैंने उसमें पानी ऐड नहीं किया था। यूजली मैं करती भी नहीं हूँ पानी ऐड, पर गैस जो है लो फ्लेम पे रखती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से आई जस्ट मेक श्योर कि मैं गैस पे डाल रही हूँ। सो दिस इज हाउ माय फूड लुक्स लाइक। विद दिस द खाना इज रेडी, सैलेड हो गया है खत्म, नाउ एंजॉय सम आमरस, यमी। तो जैसे कि मैं एंकरिंग भी करती हूँ, तो फेब्रुवरी में और मार्च में ऐसे काफ़ी शोज थे जो मैंने आउटडोर एंकर किए थे, जो धूप में एंकर किए थे, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी टैन हो गई थी, मेरे हाथ काफ़ी टैन हो गए हैं। और मैं मार्च में मैं गोवा भी गई थी पिछले महीने, तो तभी भी मैंने सोचा कि यार क्या सब पूरा जैकेट वैकेट पहनना है, अभी आए हैं लेट्स एन्जॉय। तो उसकी वजह से भी स्किन जो है काफ़ी टैन हो गई थी और मैंने उसके बाद कोई आफ्टर केयर नहीं किया था। सो मैं आज बेसिकली मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक, सो दिस इज़ द फेस पैक। और इसमें है बेसन, हल्दी, हनी, लेमन और कर्ड और टर्मरिक, जो खाने वाली टर्मरिक नहीं, जो स्किन पर लगाते हैं वो वाली ऑर्गेनिक टर्मरिक इसमें ऐड की है। तो अभी मैं लगाऊंगी फेस पैक, इसे रखूंगी 20 मिनट्स तक, फिर ना धो के आई विल डू मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद 7:30 की क्लास, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ, जैसे वर्कआउट ट्रेनिंग्स, योगा ट्रेनिंग्स ऑनलाइन लेती हूँ। तो 7:30 to 8:30 है एक क्लास और फिर एक क्लास रात की है, उसका टाइम जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये आज शाम का स्केड्यूल है और खाने में होने वाला है सूप, तो देखते हैं कौन सा सूप बनाने वाले हैं आज। तो अब मैं लगाती हूँ फेस पैक।
तो मैं इसे पूरे चेहरे पे तो लगाने वाली हूँ, नेक वे और हाथ पे वगैरह भी लगाने वाली हूँ प्रॉपरली। तो चलो गाइस मैं मिलती हूँ आपको ये लगाने के बाद, धोने के बाद शाम में मिलती हूँ बिफोर मेडिटेशन, सो सी यू। तो अभी आई एम ऑल फ्रेश और अभी आई एम गोइंग टू मेडिटेशन। तो आई प्रेफर डार्क स्पेस में मेडिटेशन करना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अभी जो है पूरा प्रेपरेशन कर लिया है, सी यू आफ्टर द मेडिटेशन गाइस। एंड इट इज डिनर टाइम। तो डिनर में है सूप वेजिटेबल्स के साथ, तो इसमें है कॉर्न, ब्रोकली, कैरेट और फ्रेंच बीन्स। तो ये है सूप और मैंने यहाँ दिया है 2 स्पून ऑफ राइस ऑल्सो विथ सम दाल, यमी दाल राइस। अभी चल रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो अभी बज रहे हैं 10:30 और क्लास हो गई ख़त्म और अभी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं करने वाली हूँ मेरा वर्कआउट, उसके बाद स्लीपिंग। एंड दिस वॉज day 4। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज अच्छे गए हैं चारों दिन, एक्चुअली वेरी नाइस। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे करनी है, पर आई थिंक आई एम हैप्पी। और वर्कआउट भी हो गया है, इट वॉज अ गुड वर्कआउट। आई हैड शावर ऑल्सो एंड अभी मैं सोने वाली हूँ, तो बज रहे करीबन 11:23 और आज दिन जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो वर्कआउट सेशन हो गया आज, ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग 2 थी पर 1 ही हुई, तो 1 जो है वो कल मॉर्निंग में रीस्केड्यूल की हुई है, सो 7:30। तो कल जल्दी उठना है, 7 o'clock तक मैं कल उठ जाऊँगी। तो दैट इज़ इट गाइज, और ये था पूरा दिन, day 4 भी इसी के साथ होता है ख़त्म और अब मैं जाने वाली हूँ सोने। सो गाइज गुड नाइट।